बच्चों, इससे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा किस तरह प्रतिबिंब बनता है, जब उसके सामने हम अलग अलग जगह में वस्तु को रखते हैं, और किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनता है, इसका अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हमने कंसीडर की थी, यहां पे मुख्य रूप से सिर्फ 2 स्थितियां ही संभव हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वाई कॉन्वेक्स मिरर, 2 स्थितियां हैं मुख्य रूप से। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में पॉलिश जो है वो अंदर की ओर दबे हुए तल पर होती है और उभरा हुआ तल इसका परावर्तक सतह होता है। माना कोई M1 M2 उत्तल दर्पण है और इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ध्रुव P है, फोकस F, इसका फोकस इधर होगा और वक्रता बिंदु C। माना कि कोई वस्तु बहुत दूर अनंत पर स्थित है AB, तो इससे 2 किरणें समांतर चलती है, मुख्य 6 समांतर, इस तरह दोनों किरणें जब उत्तल दर्पण से परावर्तित होंगी तो इस प्रकार परावर्तित होंगी, ऐसा लगेगा कि वो उसके मुख्य फोकस से आ रही है। किरण गई और परावर्तित इस तरह होगी, ऐसा आभास होगा कि वो इसके फोकस से आ रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह इस वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, दूसरी ओर फोकस पर आवासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, यानी लगभग बिंदु के आकार है। तो ये पहली स्थिति है, यानी जब वस्तु अंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु के आकार का दर्पण के दूसरी ओर मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरा केस इसका, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में स्थित हो तो ड्रॉ करेंगे उत्तल दर्पण,
पॉलिश और उभरा हुआ तल परावर्तक सतह होता है। दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। फोकस इसका जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र, ध्रुव वस्तु मान से कहीं भी, ध्रुव से और अनंत के बीच में वस्तु कहीं भी रखी है तो उन सभी स्थितियों में यही केस लागू होगा। ये हमारी वस्तु है मान लीजिए ए वी, इससे दो किरणें चलती हैं एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये उसी तरीके से परावर्तित होगी, ऐसा लगेगा कि ये इसके फोकस से आ रही है। दूसरी किरण इस तरीके से चलेगी इसके वक्रता केंद्र की ओर, इसके वक्रता केंद्र की ओर जाएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, लेकिन जब इस किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों किरणें एक दूसरे को जहां विकट करेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब डैश बी डैश बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा होगा, दर्पण के पीछे F और P के बीच मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कैसा होगा, आभासी होगा, किरणें वास्तव में पीछे नहीं जा सकती क्योंकि इधर पॉलिश है, किरणें इधर ही रिफ्लेक्ट होगी लेकिन उनको हम पीछे नहीं जाते, ऐसा लग रहा है कि यहां पे मिल रही है, आभासी होगा सीधा तथा वस्तु से छोटा बने, छोटा बनेगा। तो इस तरीके से उत्तर दर्पण में दो स्थितियां संभव हैं कि किस तरह हमारा प्रति